बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन की बिरयानी, और नियाज़े इमाम हुसैन के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कोरमा पहले से बना लिया था, साथ में चावल भी बॉईल कर लिए हैं, और बिरयानी की रेसिपी आपको पहले भी बहुत बार दे चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने चावलों की एक तह लगा दी, ऊपर से कोरमा डाला है, अब दूसरी तह लगाऊंगी। इस तरह से हम लगा देंगे कोरमे की तह। ऊपर से थोड़ा सा धनिया और पुदीना डालेंगे, साथ में टमाटर भी डाल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। साथ में फिर से हम डाल देंगे इसके ऊपर चावलों की एक और तह। फिर से कोरमा डालेंगे इसके ऊपर। इस तरह से डाल देंगे सब जगह पर बिरयानी पे कोरमा। अब फिर से हम इसके ऊपर चावलों की एक और तेल लगाएंगे। और चावल मैंने दो कनी बॉईल कर लिए थे, एक कनी छोड़ दिए थे, वो दम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है तेल लगा दी है। ऊपर से हम फिर से इसके ऊपर टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे। ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। दरमियानी आंच पे हम दम पे लगाएंगे, थोड़ा सा बिरयानी एसेंस भी डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप। तो यहाँ हमने बिरयानी को रख दिया था दम पे, और ये हमारी रेडी हो गई है। अब इनको हम इन बॉक्सेस में डालेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। अल्लाह पाक हमारी नज़र व नियाज़ कबूल करे और हमारी रोज़ी रिस्क में खैर व बरकत दे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।